हेलो दोस्तों अभी मैं एजुकेशन में मैं अरविंद मकवाना आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में रोचक तथ्य कुतुब मीनार जो है वो कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ है उसके बारे में भी देखेंगे अति महत्वपूर्ण जानकारी वो भी आपको फ़ोटो के साथ दी जाएगी इस वीडियो में तो अच्छी तरह से वीडियो देखिए और याद रखते जाइए कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में महरौली भाग में स्थित है कहाँ पर है दिल्ली में है कौन से भाग में है दक्षिण भाग में महरौली में है ईटों से बनी दुनिया की यह सबसे ऊंची मीनार है तो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है कुतुब मीनार है कहाँ पर है दिल्ली में जिसकी ऊंचाई बहत्तर पॉइंट पाँच मीटर या टू थर्टी सेवन पॉइंट सिक्सटी सॉरी एटी सिक्स फुट है अगर uh, मीटर में पूछा जाए तो सेवेंटी टू पॉइंट फाइव और फुट में पूछा जाए तो टू थर्टी सेवन पॉइंट एटी सिक्स फीट इसकी जो है ऊंचाई है कुतुब मीनार के आधार का व्यास चौदह पॉइंट तीन मीटर है जो शिखर पर जाकर मात्र टू पॉइंट 75 मीटर रह जाता है तो नीचे बहुत चौड़ा है 14.3 मीटर का है और ऊपर जाकर वो मात्र 2.75 मीटर का रह जाता है ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू करवाया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है और उनका साल भी दिया हुआ है 1150 से लेकर 1210 तक वो रहे थे उसमें 1193 में उन्होंने इनका काम शुरू करवाया था वह केवल पहली मंजिल ही बना सका था इसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुत ने इसकी तीन मंजिलों का निर्माण करवाया था फ़ोटो में देख सकते हैं ये है अल्तुत इनका समय भी यहां पे दिया हुआ है 1211 से 1236 तक ये रहे थे और इन्होंने वहां पर जो है वो तीन मंजिलें और बनवाई इसके बाद 1368 में फिरोज शाह ने पांचवी और आखिरी मंजिल बनवाई किसने बनवाई फिरोज शाह ने सन 15 ज़ीरो फाइव पंद्रह सौ पाँच में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी तब सिकंदर लोदी द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी तो यह है सिकंदर लोदी इन्होंने मरम्मत करवाई थी पंद्रह सौ पाँच में ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास बनी मस्जिद की मीनार के रूप में होता था और यहाँ से अजान दी जाती थी और ये जो पास में मस्जिद बनी हुई है उसके लिए इसका यूज़ होता था और यहाँ से ऊपर से अजान दी जाती थी लेकिन यदि कोई कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाए तो भी उसकी आवाज़ जो है वो बड़ी मुश्किल से कोई सुन पाएगा यहाँ पे ऊपर खड़ा रह के अगर कोई आवाज़ लगाएगा तो नीचे तक सुनाई देना बहुत मुश्किल है कुतुब मीनार लाल और हल्के पीले पत्थर से बनाई गई है इस पर कुरान की आयतें लिखी गई है तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुरान की आयतें यहाँ पे लिखी हुई है ऐसा माना जाता है कि इस मीनार के निर्माण में जो पत्थर तथा अन्य सामग्री उपयोग की गई थी वह सत्ताईस हिंदू मंदिर को तोड़कर इसमें लगाई गई थी सत्ताईस हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये बनाया गया कुतुब मीनार लेकिन मीनार पर केवल ऐसा लिखा है कि कुतुब्दीन ने सत्ताईस मंदिर तोड़े थे उसने मीनार बनाई थी ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो सत्ताईस मंदिर तोड़े थे ऐसा लिखा हुआ है लेकिन उसने ये मीनार बनाई है ऐसा कहीं भी उसमें लिखा हुआ नहीं है और ये महरौली में जो लौह स्तंभ है वो भी यहाँ पे देख रहे हैं आप मीनार के पास ही चौथी शताब्दी में बना लौह स्तंभ है फोटो में देख सकते हैं आप जिसे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णु ध्वजा के रूप में विष्णुपद पहाड़ी पर निर्मित किया गया तो यह है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हिंदू पक्ष के अनुसार वराह मिहिर जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और खगोलशास्त्री थे उन्होंने इस मीनार का निर्माण करवाया था तो हिंदू पक्ष ये कहता है कि वराह मिहिर ने इसका जो है वो निर्माण करवाया था इसका वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है तो हिंदू पक्ष का कहना यह है कि इसका जो वास्तविक नाम है वो विष्णु स्तंभ है नहीं के कुतुब वराह वराहमिहिर ने मीनार यानी स्तंभ के चारों ओर नक्षत्रों के अध्ययन के लिए सत्ताईस कलापूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करवाया था इन परिस्थियों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे इन्हीं सत्ताईस परिस्थितियों को तोड़कर कुतुब मीनार पर लिख दिया गया कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिरों को तोड़ा था मीनार चारों ओर के निर्माण का ही एक भाग लगता है अलग से बनवाया हुआ नहीं लगता इससे मूल रूप में सात मंजिलें थी तो मूल रूप में इसकी सात मंजिलें थी सातवीं मंजिल पर ब्रह्मा जी की हाथ में वेद लिए हुए मूर्ति थी जो तोड़ दी गई छठी मंजिल पर विष्णु जी का मूर्ति के साथ कुछ निर्माण थे वे भी हटा दिए गए होंगे इसका सबसे बड़ा सबूत पास में ही खड़ा लोह स्तंभ है जिस पर ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है कि गरुड़ ध्वज सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 414 ईसवी ईस्वी द्वारा स्थापित किया गया जिस महान सम्राट के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभ खगोलशास्त्र एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ वराहमिहिर हुए ये है सम्राट विक्रमादित्य ऐसे राजा के राजकाल में जिसमें लोह स्तंभ स्थापित हुआ तो क्या जंगल में अकेला स्तंभ बना होगा निश्चय ही इनके आसपास जो है वो निर्माण भी हुए होंगे अब आपको क्या लगता है आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें से क्या सच है ये फोटो है लोह स्तंभ का जो कि वहां पे बनाया हुआ है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए आपको वेट नहीं करना पड़े इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है आप चैनल के नाम पर क्लिक करके वीडियोस में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक है प्लस व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी दी हुई है तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसकी पी पा सकते हैं प्लस डेली न्यूज़पेपर डेली करंट अफेयर मोस्ट टाइम पी पी और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो